सनम जावेद की पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन से केपी के हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने सनम जावेद की बहादुरी को सलाम पेश किया। सनम जावेद पर फख्र है, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की गुफ्तगू। सनम जावेद की पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन से केपी के हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने सनम जावेद से केपी के हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने सनम जावेद की बहादुरी को सलाम पेश किया। सनम जावेद पर फख्र है, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने गुफ्तगू में कहा कि हमें सनम जावेद पर फख्र है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अली तारिक से। जी अली तारिक, इस मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन से केपी के हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। रऊफ हसन जो है केपी के हाउस इस्लामाबाद में सनम जावेद को मिलने गए। उन्होंने कहा कि सनम जावेद पर पूरी कौम को फख्र है, इन्होंने बहादुरी से जो है जेल भी काटी है और अभी तक जो है डटी हुई है, ये कहना था रऊफ हसन का। और अभी कुछ देर पहले ये केपी के हाउस जो कि इस्लामाबाद में सनम जावेद वहाँ पे मेहमान ठहरी हुई है जुमेरात तक, तो वहाँ पर ये रऊफ हसन से मुलाकात इनकी हुई है। अली तारिक, और कौन रऊफ हसन के साथ और कौन मौजूद है इस मुलाकात में? मुलाकात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो रहनुमा सनम जावेद, रऊफ हसन और सनम जावेद की जो फैमिली है जो कि उनके हस्बैंड अतीक अतीक रियाज वो मौजूद थे, और सनम जावेद के जो दो एक बेटा बेटी थे वो मौजूद थे, और जो सनम जावेद के वालिद और जो वालिदा हैं वो लाहौर इस वक्त आ गए हुए हैं। तो सनम जावेद की फैमिली मौजूद थी और रऊफ हसन साहब जो थे वो मुलाकात करने के लिए आए थे। इसके अलावा और कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। अली तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका।